यहाँ पे काम चल रहा है, ये जो बाउंड्रीज देख रहे हैं कलरफुल, ये अभी अभी पेंट करी गई हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं। गाइस कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? बढ़िया होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये तो वॉकिंग पे जाने वाला था, गया क्यों नहीं? यार वॉकिंग पे जाना अच्छा लगता है, और आज भी मैं 7:15 तक उठा था, आँख खुली थी मेरी, बट बात वही है, मैं जाता हूँ जिम, समझ रहे हैं? और मैं रात तक एडिट करता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ, और मेरा एक और चैनल है द आर्यन व्लॉग्स, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसको शूट करना, उसको एडिट करना, तो आप समझ जाइए कितना टाइम लगता है। अब मेरे पास टाइम तो बचा नहीं, रात में ज़्यादा टाइम नहीं है सुबह के लिए, तो मैं सोऊंगा कब? सच है कि नहीं है? सोएंगे नहीं तो नींद नहीं पूरी होगी, नींद नहीं पूरी होगी तो पूरे दिन थकावट रहेगी, थकावट रहेगी तो सुस्ती आएगी, एंड प्लस जिम भी मेरा सही से नहीं हो पाए, क्योंकि बोला जाता है कि जिम अगर आप कर रहे हैं तो आपको 7-8 आवर्स की नींद ज़रूरी है। क्या करें? या तो एक काम कर सकते हैं कि जल्दी सो जाया जाए, है ना, तो फिर मैं सुबह उठ सकता हूँ, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मेरी मॉर्निंग में, 7 बजे तक आंखें खुल जाती हैं, बट वही आंखें लगती हैं कड़वी कड़वी सी, कड़वी आप समझते होंगे कि जब नींद ना पूरी हो वैसी, जाके मैं आंखें धुल लूँगा तो फाइन, एकदम डना डन हो जाऊँगा, तुरंत ही एकदम एनर्जी आ जाएगी, लेकिन वही है कि बॉडी में तब भी सुस्ती सी रहेगी। अब आपकी जब नींद नहीं पूरी होगी तो आपको कैसा फील होगा? फ्रेशनेस फील होगी? नहीं ना, तो वही सेम चीज़ मेरे साथ होएगी। आज सोचा था चलने के लिए वो मंदिर, बहुत ज़्यादा मन भी था, अब सैटरडे, कल फ्राइडे, आज थर्सडे, ठीक है, वो हनुमान जी का मंदिर है, ट्यूसडे एंड सैटरडे वहाँ पे रहता होगा, मतलब भीड़ भी टाइप, तो ट्राई करते हैं कि सैटरडे चलने का, कल का भी स्किप करते हैं डे, स्किप क्या, कल पूरा ट्राई करेंगे, आज जल्दी सोने का, फाइन जल्दी सोने का ट्राई करेंगे, एंड कल चलेंगे वॉकिंग पे, लेकिन मंदिर जो है सैटरडे को चलेंगे, क्योंकि तब जो है वहाँ थोड़ी बहुत जब हल्की भीड़ रहेगी तो अच्छा भी लगेगा देखने में, एंड हो सकता है कि मैं किसी की हेल्प भी कर सकूँ वहाँ पे। प्लस आज का जो रूटीन है वो मेरा डेली रूटीन है, अभी ब्रेकफास्ट करना है, जिम चले जाना है, आज है लेग्स एंड बाइसेप्स, तो लेग्स का तो वर्कआउट आपको दिखा ही चुका हूँ, तो बाइसेप्स का आज वर्कआउट दिखाते हैं, आई होप सो पार्टनर की तरफ सही हो, जिससे कि वो मेरा रिकॉर्ड कर सके, और क्या कर सकते हैं, एंड किसी नीडी की हेल्प करेंगे आज जब पढ़ाने जाएंगे तब, फाइन। बस ये है कि ऐसे इंसान की हेल्प करेंगे जो सच में नीडी हो। कल टैक्सी वाले वो जो था भाई, उसकी हेल्प करी, आता तो लगा हेल्प करी, अच्छा लगा करके, उसकी मतलब फेस पे स्माइल लेके काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पैसा उनको नहीं चाहिए होता, लेकिन सच में ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें चाहिए, वो होते हैं फेक इंसान, ठीक है। अगर आपको भी कोई चलते फिरते, अगर आपको लगे कि उसको सही में ज़रूरत है तभी दीजिएगा, अगर आपको लगे कि यार ये बंदा तो इतना पैसा लग रहा है, फ़ोन भी है तब भी पैसा मांग रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो आपके साथ खेल रहा है भाई, फाइन। तो हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है इस दुनिया में, ये मैं भी बोलता हूँ, कुछ बहुत बेकार होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो हम ये है कि हम दोनों को एक समान नहीं समझ सकते हैं, जिसे हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करेंगे, जिसे सिर्फ ढोंग कर रहा है हेल्प चाहिए का और आपसे पैसे मांग रहा है, तो ट्राई करिए कि उसे अवॉइड करें। बस क्या देखना है आपको कि कैसा दिखता है वो इंसान, क्या उसके पास सच में नीड है, मतलब उसे चाहिए पैसे, और अगर उसे चाहिए पैसे तो पूछो किस लिए चाहिए, और अगर वो कह रहा है कि यार मेरा मतलब टिकट वो पैसा ख़त्म है, तो अगर आप मेट्रो स्टेशन या मतलब कहीं पे भी टैक्सी के पास है तो उसको बैठाइए जाके, फाइन, ये नहीं कि पैसे दे दिए, उसको बैठाओ, वो काम कराओ कि हाँ ठीक है, अच्छा तुमको टैक्सी चाहिए, और टैक्सी में बैठा देते हैं, टैक्सी वाले को मैं पैसे दिए दे रहा हूँ, अच्छा तुमको इतना चाहिए लो, ये होती है हेल्प, ठीक है। पैसे आप दे देंगे, आप क्या पता उसे किसकी ज़रूरत हो सकता है, उसको पीना हो, हाँ हो सकता है उसे उड़ाना हो कहीं कैफे वैफे जाके,
वो तो तुमको शब्द दिखा रहा है कि हाँ भाई पैसे चाहिए। तो इसी वजह से सबको सब पे ट्रस्ट करने वाला नहीं होता है, फाइन। लेकिन हाँ, मैंने जो सोचा है कि नीडी पीपल की हेल्प करने का, तो ऐसे ही लोगों को मैं दूंगा पैसा जो मुझे लगेगा कि सही है, फाइन, जिनको सच में ज़रूरत है। मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मैंने पहले बताया था। मैं जितना अपने तरफ से एफर्ट कर सकता हूँ मैं दूंगा। अब 10 रुपीज़ आपको कहीं पड़े हुए मिल जाएंगे तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं? अब वही मैं 10 रुपये किसी और को दे दूंगा तो वो भी खुशी होएगा। वो ये थोड़ी ना कहेगा यार इतने कम क्यों दे रहे हो। ठीक है फाइन, तो जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। मम्मी ओट्स लाई है, मैं ओट्स खाऊंगा एंड देन उसके बाद आपसे मिलते हैं जिम में। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आ गया हूँ जिम अपने एंड जा रहे हैं हम ऊपर। मेरा पार्टनर वेट कर रहा है, उसकी कॉल आ चुकी है। कहाँ हो? अरे आ रहे भाई, आ गए। फाइन, आज करना है जिसमें मैं बताता लेग्स एंड बैक। लेग्स ही कम वर्कआउट करेंगे, बैक ही ज़्यादा करते हैं। तो पहले बैक से स्टार्ट करते हैं और जिम में आपसे मिलते हैं। जैसे आपने देखा आज मैंने बाइसेप्स की वर्कआउट की है, तो बताइए कैसी लगी आपको वर्कआउट। मतलब कि एक करेक्ट पोस्चर में मैंने दिखाया था आपको। और अब जा रहे हैं घर, घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। हे गाइस, मैं आ चुका हूँ घर एंड पानी गर्म होने के लिए लगा हुआ है। मम्मी अभी जा रही हैं मेरे लिए खिचड़ी बनाने। खिचड़ी इन द सेंस आप बोल सकते हो उड़द की दाल की खिचड़ी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो फिर मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं जिम करने का, जो अभी इतना भारी भारी वेट उठा के आए, क्या ही फ़ायदा होगा भाई, है कि नहीं? फाइन, तो अभी ना मैं नहाता हूँ और वीडियो एडिट करना है मुझे कल वाली, उसको एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। सो यस गाइस, नहा चुका हूँ, खाना भी खा चुका हूँ, तैयार भी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अगर बीच रास्ते में कोई मुझे मिलता है नीडी सा तो उसकी हेल्प करी जाएगी। आज मेरे पास 10 की नोट नहीं है, आज मेरे पास है चिल्लर्स। मतलब कि ये होंगे 7-8 60-8 रुपए होंगे। तो ट्राई करेंगे कि लोगों को देने का, मतलब एक ही इंसान को दे दिया जाएगा। अगर लगेगा कि हाँ इसे ज़रूरत है तो एक ही इंसान को दे देंगे, नहीं तो ऐसे जो मंदिर की साइड रहते हैं उनको दो दो रुपए करके दे देंगे। 10 हैं यार, 10 हैं, एक एक रुपए के भी सिक्के हैं, 10 हैं, पूरे पूरे 10 हैं। मतलब जो सोचा है वही करना है, ठीक है? तो बीच रास्ते में आपसे मिलते हैं। अभी मैं इधर बंदे को क्रॉस करके, हनुमान सेतु क्रॉस करके जो हजरतगंज वाली रोड जाती है वहाँ पे हूँ। यहाँ पे एक बहुत बूढ़ी सी आंटी हैं एंड काफ़ी नीडी सी लग रही हैं, सो रही हैं यहाँ पे, धूप खा रही हैं। तो इनको जो मेरे पास हैं वो सारे पैसे दे देते हैं। ये लीजिए, ले लीजिए पैसे हैं, हाँ ले लीजिए। तो यहाँ पे 10-90 के आगे जो चौराहा पड़ता है मरीन ड्राइव वाला, तो यहाँ पे देखा मैंने कि ये एक सुंदर सी चीज़ यहाँ रखी गई है। कल ये रखी जा रही थी तो मैं वीडियो नहीं बनाया था, आज रख दी गई है। और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनेगा, इधर आप देख सकते हैं लोग जाते हुए अपने अपने काम पे या फिर अपने अपने घर। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, G20 समिट तो तगड़ा होने वाला है। जब हम जाते हैं वेव के साइड तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मतलब भाई एकदम जो काम है बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत यहाँ सही हो पे रहा है। काम चल रहा है। ये जो बाउंड्रीज देख रहे हैं कलरफुल, ये अभी अभी पेंट करी गई हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं। एंड यहाँ पे लोग जो हैं वर्कर्स काम करते हुए,
उधर भी जो मिट्टी है वो भरी जा रही है, प्लांटिंग करी जा रही है जिससे कि और जल्दी सुंदरता आए। ग्रीन ग्रीन लखनऊ बोल करा जा रहा है। इधर की साइड पे ट्रक्स खड़े हैं और यहाँ पेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं एकदम पेंट पेंट हो रहा है। भाई साहब मज़ा ही आ रहा है लखनऊ में तो। और ये जो आप देख रहे हैं ये रात में जलता है, रात में इधर मेरा आना नहीं होता, नहीं तो आपको दिखाता। और पूरे जो इधर ये जो पोल है उधर आगे पोल है वो उन सब में लगाया जाएगा, अभी तो एक ही जगह से फिट हुआ है। यार अभी तो म्युनसिपलिया ये जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में, मतलब म्युनसिपलिया चौराहे पे, बट कोई मुझे ऐसा मिला नहीं है सज्जन इंसान जिसको नीड हो। मैंने एक और को देने की कोशिश की, तब मेरा एक बार कैमरा ऑन नहीं था तो उसने भी लेने से मना कर दिया। तो देखते हैं आज के दिन में दे पाएंगे कि नहीं। गाँव में अब आप सोच रहे होंगे मैंने यार आज किसी की हेल्प नहीं करी, बोल तो बहुत रहा था हेल्प करिएगा नहीं किया, ऐसा नहीं है, ट्राई मैंने पूरा किया भाई, पैसे देने की कोशिश करी लेकिन नहीं लिया। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि ऐसे कैसे कोई इंसान किसी की मदद कर सकता है, या हो सकता है कि नीडी ना हो भाई, बड़े लोग 10 रुपये की कौन अहमियत करता है आज के टाइम में। तो यार जितना मुझसे हो सकता है उतना ही मैं कर पाऊँगा, मैं 500 रुपये तो किसी को दूंगा नहीं, जब होंगे तो ज़रूर देंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो जितनी मैं मदद कर सकता हूँ उतना ही करूँगा। कल ही था टैक्सी वाले को दिया था तो वो ऐसे नोट करके देख रहा था, अब पता नहीं वो देख रहा था कि कितनी है कि या फटी ना हो उस टाइप से, कि लल्लू ना बना रहा हो, प्रैंक कर रहा हो उस टाइप से देख रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखा तो था ऐसे। आपने भी देखा, मतलब आपने भी देखा वो नोट ऐसे ऐसे कर रहा था, तो यही सब रीज़न हो सकते हैं, बट अपन हार नहीं मानेगा। आज नहीं कोई नीडी वाला इंसान मिला जिसको मेरी मदद चाहिए हो तो कल हो सकता है मिले। मैं रोज़ 10 रुपये लेके अपने पॉकेट में जाऊँगा उस स्पेसिफिक बंदे के लिए, मतलब कि पर्सन के लिए, और अगर नहीं मिलता है जो आज मैं करने जा रहा हूँ वही रोज़ का प्रोसीजर रहेगा जब तक कोई इंसान मुझसे मदद ना मांगे तब तक। अगर कोई मांगेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कोई नहीं मानता है तो वो जो 10 रुपये हैं उसकी मैं या बिस्किट या अंडे ख़रीद के एक डॉग या फिर दूसरा डॉग या फिर फ्रूट्स ख़रीद के, केला या सब्ज़ी ख़रीद के गाय खिला दिया, गाय को ये सब खिला दूँगा। मतलब 10 रुपये वो जो जाएंगे एनिमल्स के लिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको अगर इंसान ब्लेसिंग नहीं देगा तो एनिमल्स तो देंगे, मतलब एक टाइप से क्या करना है मुझे कि मदद करनी ही करनी है, फिर चाहे मैं एक इंसान ही करूं, फिर मैं चाहे एक जानवर ही करूं, जानवर नहीं वो एनिमल्स होते हैं, और वो जितना आपके लिए वफ़ादार हो सकते हैं उतना इंसान नहीं हो सकते हैं। आप मदद करोगे किसी की ऐसे स्ट्रीट पे चलते हुए तो हो सकता है वो इंसान भूल जाए कुछ महीने बाद, लेकिन एक डॉग को आप खिलाओगे, आप फीड करोगे उसे जाके, तो वो आपको याद रखेगा, वो पीछे पीछे आएगा आपके, और अगर बाई चांस आपके साथ कुछ गलत हुआ तो वो दूसरे इंसान को काट भी सकता है। फाइन, तो यही चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा कि यार अगर मुझसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा, मैं इंसान को ढूंढूंगा तो नहीं बैठ के जिसको हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, आपको भी पता है मैं दोपहर में निकलता हूँ रात में आता हूँ, अब आप समझ जाइए बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है। मैं रुक रुक के लोगों से पूछूंगा कि यार तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेरा भी कितना सारा टाइम वेस्ट होगा ना। अगर मुझे कोई दिखता है जैसे मेरी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर रुकूंगा उसकी हेल्प करूंगा, अगर कोई मुझसे हेल्प मांगता है तो भी मैं रुकूंगा उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन ढूंढूं बैठ के इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बाकी जैसे मैंने बताया आपको 10 रुपये हैं तो 10 रुपये का अब आज के दिन जा रहा हूँ बिस्किट लेने, और बाहर जो मेरे स्ट्रीट घर के पास में स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिला दूंगा, फीड कर दूंगा, तो खुद को अच्छा फील होगा। फाइन, अभी चेंज करता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, देन मैं बाहर जाता हूँ तब खिलाता हूँ और ख़ुद भी खाना खाता हूँ। पहले आपको दिखाते हैं, उन लोग से मिलाते हैं आपको चल के जिनको मैं खिलाने जा रहा हूँ, एंड देन उसके बाद खाना खुद खाऊँगा एंड देन मिलूँगा आपसे, मतलब वहाँ पर पहले चलते हैं माई पे मिल लेते हैं आपसे पहले। राइट गाइस, अभी मैं मम्मी के साथ आया हूँ, मम्मी को अपनी साड़ी देनी थी, साड़ी का यूके से
पॉलिटिको एंड ऑल होता है वो सब करवाना था, तो इसीलिए देने आए हैं यहाँ आईटी पे, एंड यहीं से ही बिस्किट ख़रीद लेंगे, और बिस्किट ख़रीदने के बाद फिर ट्वीट करते हैं। काफ़ी अच्छा फील होगा तब मुझे, अभी तो अच्छा फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। एजुकेंसी ख़रीद लिया है, एक और पैकेट है जेब में, दोनों खिलाते हैं चल के बाहर, टहल तो रहा है, देखते हैं खाता है कि नहीं रहा है बिस्किट। नाइस, आई लाइक इट। अब दूसरा बिस्किट भी खिलाते हैं जाके दूसरे वाले को, खा लो। एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सो मैंने खाना खा लिया है, आपने खाया कि नहीं खाया बताइए। एंड जैसे आपने देखा कि मैंने अच्छा काम किया है, अच्छा फील हो रहा है यार, लिटरली बता रहा हूँ, अच्छा फील हो रहा है। मतलब अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपको ही खुद अच्छा फील होता है, दूसरे को तो फील होएगा ही अच्छा, लेकिन आपको भी खुद अच्छा फील होता है। सो यहाँ मम्मी आ गई हैं। अरे अरे हेलो। अरे एलविस यादव की वीडियो देखी ना, उसी का ये भूत है, उसकी मम्मी आया करती हैं, जो मोटू हैं वो आया करती हैं, मोटा है कि मोटू है? मोटू। तो ये भी मतलब टाइप से कह रही है, अरे यार तुम भी तो बनाते हो, मैं भी आऊंगी, उस टाइप से था। जाओ। अच्छा, अरे ठीक है, लाइट है यार यहाँ पे, अभी लाइट है, काफी है लाइट, सो काफी अच्छा लगता है मतलब लोगों के साथ बातचीत करना भी। और शुभी तो ऊपर गई हुई है लीज़ा को खाना देने के लिए, लीज़ा बड़ी बदतमीज़ हो जाती, कभी कभी खाना खाती, कभी 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 नहीं खाती है, उसको दे दो नहीं खाएगी, उसको ना दो तो पीछे पीछे लगी रहेगी। तो ये आज दोपहर में भी हुआ था और ये अभी भी हो रहा है, वो कह रहा है गई तो है देने के लिए, देखते क्या करते हैं। शुभी से पूछता हूँ खाई कि नहीं खाई है। और बाहर के तो डॉग मतलब बाहर के स्ट्रीट डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं इन मामलों में, कुछ भी दे दो खाने वाली चीज़ खा लेते हैं तुरंत, ये अच्छी चीज़ उन लोगों में होती है। ये नकचड़ी हो जाते हैं इन लोग के, मतलब वो हो जाता है ना कि ये थोड़ी ना खाएंगे, रखा थोड़ी ना खाएंगे, या फिर हमको कोई और टेस्ट का खाना दो, ये पेडिग्री दो या फिर चिकन दो, ये सब अंडा अंडा रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी देखा आपने कि कितने मन से वो तुरंत खाने लगा था, और दूसरे वाले को भी दिया मैंने दूसरा पैकेट, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे भैया लोग खड़े थे, मैंने कहा छोड़ो क्या बनाए यहाँ पे, तो दो खिला दिए, और काफ़ी मन को संतुष्टि मिली कि यार आज मैंने 10 रुपये का पुण्यदान किया। यू कैन से मतलब कि अच्छा लगा, ब्लेसिंग सी फील हुई कि हाँ यार वो भी सोचा होगा कि किसी ने तो मतलब मेरी केयर करी। ऑल राइट, सो अभी जा रहा हूँ मैं ब्लॉग एडिट करने और अपलोड करने जा रहा हूँ कल वाला, और अपलोड करके सो जाऊंगा। सो यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द डेली ब्लॉग्स #, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है, रुक रुक के गाड़ी को भी वीडियो बनाना में मेहनत लगती है, एडिट करने में मेहनत लगती है, और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है यार, हाथ दर्द होने लगा साइड का। तो फाइन, कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ, ट्राई करेंगे किसी की हेल्प करने की अगर कर सकते हैं, नहीं तो फिर 10 रुपये का खाना तो हम खिला ही सकते हैं किसी जानवर को, जानवर नहीं एनिमल, जानवर गंदा लगता है ना, एनिमल इज क्यूट। ऑलराइट, बाय।